नमस्कार यारो प्यारो दिलदारो, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग्स में। तो भाई आज हम चलेंगे दिल्ली से, सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, NH 58 के पास है वो। तो बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं वहाँ, चल के बात करते हैं वहाँ, बनाते हैं चल के वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं मैं छोटा सा, चलिए। तो भाई एक बार फिर आ गया हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं। ये निहाल भाई हैं अपने, इनकी गाड़ियाँ पीछे तक लग रही है, मैं अभी आपको देखो पीछे तक पूरी लग रही है। तो पहले भाई से मिलवाते हैं। तो भाई स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। तो ये बताइए, क्या वाक्य में दिल्ली से सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ? दिल्ली से 25,000 रुपये कम लगा है मेरठ में। देख लो भाई, मेरठ में दिल्ली से सस्ती गाड़ियाँ, क्योंकि मैंने भी इनकी वीडियो पहले देखी थी पर मेरा आने का हो नहीं पा रहा था। आज मैं आया इनसे मिला, तो अब देखते हैं कि वाक्य में ये सही बोल रहे हैं या क्या है। चलिए तो भैया दिखाइए अपनी गाड़ियाँ, दिखाइए कौन सी गाड़ी है ये? होंडा अमेज है जी, एस वेरिएंट है, 2014 मॉडल है, सेकंड ओनर गाड़ी है, मथुरा नंबर है, UP 85, 2,85,000 रुपये डिमांड है। तो ये नेगोशिएबल हो जाएगा ना? नेगोशिएबल। तो भाई गाड़ी को मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो गाड़ी में अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करवाया ना भैया? नहीं। तो भाई जैसी गाड़ी आई है वैसी रखी है। ये दूसरी है, ये कौन सी गाड़ी है? ये भी होंडा अमेज है, एस वेरिएंट है, दोनों ही गाड़ी डीजल की है। अच्छा, ये वाइट कलर में है, वो ग्रे कलर की थी। अच्छा, ये UK नंबर है। ये कौन सा मॉडल है? ये भी 14 मॉडल है, 2,85,000 रुपये डिमांड है। अच्छा, 2,85,000 रुपये, दोनों सेम गाड़ियाँ हैं। कंडीशन वाइज तो गाड़ी भाई अच्छी है, अंदर से भी दिखा दूँ मैं आपको। तो भैया सर्विस सर्विस करवा के रखते हैं आपकी, कैसे? जैसी आती है पीछे से वैसी रखते। अच्छा, वैसी सेम टू सेम सर्विस भी करा देते हैं जो गाड़ी। अच्छा, ये कौन सी है भैया? ये फोर्ड फिगो है। अच्छा, इसका 2016 मॉडल है, पेट्रोल की, 3,25,000 रुपये डिमांड है वाली। 2016 मॉडल है, पेट्रोल की है। तो भाई ये इसमें कुछ नहीं करवाते, जैसी गाड़ी कस्टमर से आती है ये उसको वैसी सेल करते हैं, ठीक है? तो सबसे बढ़िया बात मुझे इनकी ये लगी कि इसमें कुछ नहीं करवाते अपनी तरफ से। हाँ, अगर भैया कोई अपनी तरह से करवाना चाहे जैसे, तो आप करवा देंगे ना उसको? हाँ, तो ये करवा देते हैं भाई। ये कौन सी गाड़ी भैया? ये KUV 100 है, महिंद्रा की। KUV 100 है, 2016 मॉडल है, एलॉय डले हैं, 4-5 टायर नए हैं वाली के। अच्छा, इसकी बहुत बढ़िया गाड़ी है, 3,25,000 रुपये डिमांड है इसकी। 3,25,000 रुपये डिमांड है भाई। देखिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी गाड़ियाँ हैं और वीडियो हो जाएगी लंबी। एलॉय व्हील डले हुए हैं गाड़ी में और बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं अंदर से आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि टाइम लगेगा, वैसे इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो वैसे। तो ये वाली, ये सेंट्रो है, 2008 मॉडल। अच्छा, खाली पेट्रोल है, 2 पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ICQRT नंबर प्लेट लग रही है, 4,000 किलोमीटर ओरिजिनल चली गई गाड़ी। गाड़ी की डिमांड है 65,000 रुपये। 65,000 रुपये, क्या इसका क्या हुआ है भैया? 2008 में, 4-5 टायर नए हैं बड़े। ये जैन स्टील है, 2008 मॉडल, 1,10,000 रुपये की, CNG पास। ये कहाँ का मॉडल है, ये कहाँ का नंबर है? ये I20 2020 मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 9,000 चली गई है, पूरा फुल नंबर है, 53। अच्छा, गाड़ी की डिमांड है 6,00,000 रुपये। 6,00,000 रुपये स्पोर्ट्स प्लस वेरियंट है। अच्छा अच्छा, और ये गाजियाबाद 2011 मॉडल है, गाजियाबाद नंबर है, मेरठ ट्रांसफर है, सेकंड ओनर है, खाली पेट्रोल है, 1,40,000 रुपये डिमांड। 1,40,000 रुपये डिमांड। और ये वाली, ये बलेनो है, जेटा, सेकंड टॉप वेरिएंट है, पेट्रोल है, 2016 मॉडल है, 4,00,000 रुपये डिमांड है। कौन सा मॉडल है? 16 मॉडल है। और ये निशान वालों की, ये अपनी मेज, ये तो सेल हो चुकी है। ये सेल हो चुकी है भाई, ये तो अपनी है ना, स्कॉर्पियो। अच्छा, दिल्ली नंबर है भाई ये स्कॉर्पियो, इसकी कंडीशन अच्छी है। 2016 मॉडल, S10, दिल्ली नंबर है, सेकंड ओनर है, 77,000 किलोमीटर ओरिजिनल चली गई है, कंपनी रिकॉर्ड, गाड़ी की डिमांड है 8,00,000 रुपये। अच्छा, 8,00,000 रुपये डिमांड।
तो भैया जो किसी को गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी हो या कुछ और चीज़ करवानी हो तो क्या? गाड़ी ट्रांसफ़र करा के देते हैं, 15 दिन की वारंटी हमारी, 15 दिन में गाड़ी ट्रांसफ़र करा। अच्छा, बाकी कोई जो फॉल्ट आता है तो वो सब आप? हाँ जी, पीछे का फॉल्ट हमारा, आगे जब आप लेके जाओ। हाँ, वो तो फिर उसका ही है, कागजों से गाड़ी सही रहेगी ना? हाँ जी। कोई आगे पीछे हमारी, कोई आगे पीछे गाड़ी का ये जैसे मीटर आगे पीछे कर देते हैं? नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन और ठीक गाड़ी है भैया के पास। और बाकी तो बताएंगे आपको कि कैसा है क्या है, और अभी भैया से रिव्यू कर लिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। तो फाइनली आ गया हूँ मैं घर पर भाई। वीडियो इसलिए बनाई है जल्दी जल्दी कि दिवाली का टाइम चल रहा है और मार्केट में बहुत भीड़ है, आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, इसलिए बहुत चैचा चैचा मैं हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बनाया और भैया ने बनवा दी। और उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है हमारे माध्यम से तो वो उसमें रेट कम कर देंगे, पैसे कम कर देंगे, नेगोशिएबल हैं, चाहे आप बोल दो कि वीडियो देखी है या नहीं भी बोलो आप, फिर भी वो कर देंगे। वो व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि भैया मैं वीडियो बना लूं, उनके भैया या कोई बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हाँ बेटा बना लो। तो क्योंकि बहुत से लोग मना कर देते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई बनाने देते हैं। अब हम यहाँ से गए वहाँ जाके वीडियो बनाई, पर दिवाली के कारण भीड़ बहुत हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना ली। और भी गाड़ियाँ थी उनके पास, उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ और भी हैं, वो गोदाम में खड़ी थी कहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी जितनी है इसको ही कवर कर लेते हैं, फिर जब फुर्सत होगी, ये ट्रैफिक थोड़ा कम होगा जब आएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। बाकी उनका मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उनका नंबर और उनकी पूरा एड्रेस डाल देता हूँ अभी वीडियो में। तो फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ये मेरी पहली वीडियो थी बाहर, उसमें मतलब कार्स की पहली वीडियो डाली, अब आगे भी देखेंगे, बनाएंगे कार्स की वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगे यार, आप लोग देख लेते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है आपके एक लाइक से, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो, मुझे बताया करो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है, तभी तो मैं वीडियो बनाऊँगा। और जो मेरे व्लॉग चल रहे हैं वो तो मेरे चल ही रहे हैं डेली के, जो घर के हैं मेरे, अनमोल के और हमारे यहाँ के मोहल्ले के, वो तो मैं डालता ही रहता हूँ, डालूंगा ही बराबर। और जो ऐसी वीडियोस हैं जैसे कहीं आज चले गए हम, अभी देखेंगे आगे एक दो जगह और जाएंगे शोरूम्स पे, फर्नीचर के शोरूम पे जाएंगे, हमारे यहाँ फर्नीचर के बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, सब बात करके क्योंकि यार बहुत लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ आप वीडियो बना लो, बहुत लोग एग्री नहीं करते हैं, तो उनसे बात करनी पड़ती है, फिर जाके परमिशन लेके वीडियो बनानी पड़ती है भाई। बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान है वीडियो बनाना, भाई आसान नहीं है। मेरे अभी 39 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे पता है कि मैं कैसी कैसी मेहनत से बना रहा हूँ, टाइम भी नहीं मिलता, घर में भी टाइम रहता है, फिर शॉप भी रहती है, इधर वाइफ को भी लेके जाना पड़ता है स्कूल, उनके अनमोल को भी देखना पड़ता है और शॉप भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत किया करो, कमेंट कर दिया करो यार, बता दिया करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग देखते हो तो। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दूँ, बताऊँ आपको, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप मुझे वो बताएं, कमेंट करें, उसी चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ। तो चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू, बाय।